हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट में आज बैंक रिकंसिलेशन में ये क्वेश्चन लेते हैं और प्लस माइनस मेथड से जो है करके देखते हैं। सन लिमिटेड की डिटेल दी गई है और उसमें 75,000 जो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है एज ऑन 31 मार्च 20, विच डज नॉट टैली एज पर पासबुक। बाय कंपेयरिंग कैश एंड बैंक बुक फॉलोइंग डिटेल इज ऑब्टेंड। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। चेक ऑफ 50,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक ऑन 20th February बट स्टिल नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ₹500 इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 30th March इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 90,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव टिल 31st March। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक 35,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक ऑफ 20,000 इश्यूड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पेड भी कर लिया है बैंक ने। चेक ऑफ 10,000 इश्यूड बट स्टिल नॉट पेड बाय बैंक। एंड बैंक चार्जेस चार्ज कमीशन ऑफ ₹1,000 स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अभी इसमें देखते हैं क्वेश्चन में तो बैंक का जो है कॉलम जो है 75,000 जो है वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, राइट। तो जो है इसको प्लस में लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, तो 75,000 है। फिर ऐड करेंगे और लेस करेंगे, जो 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 ऐड में आएगा, जो जो लेस में आएगा। अभी फर्स्ट बोला है चेक ऑफ 50,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक ऑन 20th February बट स्टिल नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है तो बैलेंस कम करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट Not credited by bank, कितने का है 50,000। फिर है 500 इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 30th March इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैलेंस बढ़ेगा। फिर है ₹90,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट रिसीव टिल 31st March, तो इसकी वजह से भी बैलेंस बढ़ेगा। देन आफ्टर इज चेक डिपॉजिटेड विद बैंक ₹35,000 बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैलेंस बढ़ेगा। फिर है चेक ऑफ 20,000 इश्यूड एंड पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैलेंस घटेगा। फिर है चेक ऑफ 10,000 इश्यूड बट स्टिल नॉट पेड बाय बैंक, तो बढ़ेगा, ऐड में आएगा।
फिर है बैंक चार्ज कमीशन और रुपीज 1000 स्टिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो बैलेंस घटेगा। अभी टोटल करेंगे तो 90,000, 1,00,000, 1,35,500 ये ऐड होगा, राइट। तो डायरेक्टली लिख लेते हैं बाहर, ऐड करेंगे इसमें 1,35,500 एंड 2,10,500। फिर बैंक कमीशन था इधर 1,000, 71,000 जो है वो लेस हो जाएगा। तो 1,39,500 ये मिलेगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो सिंपल है, बैलेंस बढ़ाना है तो ऐड करेंगे, घटाना है तो लेस करेंगे।